अगर पूरा वीडियो देखने के बाद भी आप लोग इन सारी चीज़ों को बाय हार्ट याद नहीं कर लेते हो तो मेरे इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। हेलो गाइज, वेलकम टू अजब गजब जी के ट्रिक्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विश्व की कुछ प्रमुख सीमाएं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और इस वीडियो की सबसे खासियत बात यह है कि मैं आप लोग को कुछ सुपर ट्रिक्स के माध्यम से इन सारी चीज़ों को याद दिलाऊंगा, वो भी कुछ मिनटों में, जिससे कि आप लोग बहुत लंबे समय तक याद किए रहोगे। ओके गाइज, तो इस ट्रिकी वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे है मैनर हिम रेखा, और ये है रूस और फिनलैंड के बीच में। अब इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे, यहाँ पे देखिए हम लोग पकड़ेंगे हिम को, ठीक है, हिम। और आप लोग छुट्टियों के दिनों में क्या कर रहे हो, घूमने के लिए जा रहे हो कोई बर्फ़ वाले क्षेत्र में, वहाँ पर हिम वर्षा देखने के लिए, मतलब स्नोफॉल देखने के लिए आप लोग हिमपात हिम वर्षा देखने के लिए जा रहे हो। लेकिन आप लोग जैसे ही वहाँ पहुँचे, वहाँ पर कोई भी स्नोफॉल नहीं हुआ उस साल। आप लोग सोच कर गए थे कि कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, लेकिन आप लोग जब वहाँ पहुँचे तो आप लोग को कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिला। तो आप लोग वहाँ जैसे ही पहुँचे, आप लोग क्या हो गए, आप लोग रूस गए, ठीक है, आप लोग रूठ गए आप लोग रूस गए। क्योंकि फिन से क्या हुआ, फिर से, यहाँ पर फिनलैंड से हम लोग करेंगे फिर से, ठीक है, फिनलैंड से करेंगे। फिन से क्या हुआ, जो हिमपात जो था, वो स्नोफॉल जो, वो नहीं हुआ, ठीक है। आप लोग हिम वर्षा देखने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ आप लोग को देखने को मिला नहीं, तो आप लोग क्या हो गए, रूस गए, आप लोग रूठ गए। क्योंकि फिन से जो है, फिर से जो है क्या हुआ था, स्नोफॉल नहीं हुआ था। तो इस तरह से आपका हो जाएगा मैनर हिम जो है वो रूस और फिनलैंड के बीच में है। रूस की राजधानी है मॉस्को, और वहाँ की मुद्रा है रूबल, और फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। नेक्स्ट है आपका मैकमोहन रेखा, और ये भारत और चीन के बीच में। अब इसको हम लोग ऐसे याद करें, देखिए यहाँ पे एक साउंड आ रहा है आपका, मैकमोहन से हम लोग करेंगे मनमोहन। इससे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, मनमोहन जी थे। तो और ये कहाँ के थे, वो भारत के थे। तो पहला हो जाएगा आपका भारत, देखिए, और इसी में एक साउंड आ रहा है आपका मेक आ रहा है। आप जो भी पेन या फिर मोबाइल या फिर घर में जो भी सजावटी चीज़ें हैं जो भी यूज़ करते हैं, वो कहाँ की बनी होती हैं, वो मेड इन चाइना होती है। मेक मतलब बनाना, और आप लोग जो भी चीज़ यूज़ करते हो वो कहाँ की बनी हुई होती है, मेड इन चाइना की बनी हुई होती है। तो इस तरह से आप लोग ईजिली याद कर लोगे कि मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच में है। भारत की राजधानी तो हम लोग सब लोग जानते हैं दिल्ली है, और चीन की राजधानी है बीजिंग है, और वहाँ का जो मुद्रा है वो है युआन। ये एग्ज़ाम में पूछता है कि चीन का जो मुद्रा है वो कौन सा है। नेक्स्ट है आपका रेड क्लिक, और ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे, देखिए यहाँ पर आ रहा है आपका साउंड रेड आ रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ पर है पाकिस्तान या, और ये हो गया आपका भारत, और यहाँ पर बीच में जो बॉर्डर है वहाँ पर क्या होता है, हमेशा युद्ध होते रहता है, ठीक है, हमेशा लड़ाई होते रहता है। तो वहाँ की भूमि अभी क्या हो गई होगी, रेड हो गई होगी, खून की वजह से क्या हो गई होगी, रेड हो गई होगी। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या होता है, हमेशा युद्ध होते रहता है, लड़ाई होते रहता है। तो ऐसे करके आप लोग याद कर लोगे, रेड क्लिक जो रेखा है वो है किसके किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि खून खराबा होते रहता है, वहाँ की ज़मीन जो है कैसी है, अभी रेड कलर का है। ऐसे करके रिलेट करके याद करेंगे। भारत की राजधानी हम लोग सब लोग जानते हैं दिल्ली है, और पाकिस्तान की राजधानी आपका इस्लामाबाद है, और वहाँ भी क्या चलता है, मुद्रा रुपया चलता है वहाँ पर भी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डुरंड रेखा, और ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ये सुपर इम्पोर्टेंट वाला है, देखिए अब इसको हम लोग ऐसे याद करें, देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो है दो चीज़ें कॉमन चीज़ है। पहले चीज़ है कि यहाँ पर भी स्थान है और यहाँ पर भी स्थान है, और दूसरी चीज़ है यहाँ पर भी मुसलमान लोग रहते हैं और यहाँ पर भी मुसलमान लोग रहते हैं। और जब दोनों मुसलमान एक जगह मिलेंगे, ठीक है, दोनों मुसलमान यदि एक जगह मिलेंगे तो वो लोग कैसे बात करेंगे, वो लोग बोलेंगे हाय डूड कैसे हो, ठीक है, हाय डूड। देखिए यहाँ पर डुरंड से हम लोग करेंगे ड्यूड। जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले लोग क्या करेंगे, एक दूसरे से जब मिलेंगे तो कैसे बात करेंगे, डुरंड से करेंगे हम लोग ड्यूड, हेलो ड्यूड कैसे हो। जो जब दो फ्रेंड लोग मिलते हैं तो आपस में बात करते हैं ना, हेलो ड्यूड कैसे हो, हेलो ड्यूड क्या कर रहे हो। तो ऐसे करके पाकिस्तान और अफगानिस्तान, क्योंकि दोनों लोग क्या है, मुसलमान हैं, मुस्लिम लोग हैं, तो हेलो ड्यूड कैसे हो ऐसे करके बात करेंगे। तो इस तरह से आपका हो जाएगा डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है।
पाकिस्तान की राजधानी हम लोग जानते हैं इस्लामाबाद है, और अफ़गानिस्तान की राजधानी आपका काबुल है। नेक्स्ट है आपका 49वां समांतर रेखा, और ये है अमेरिका और कनाडा के बीच में है। अब इसको हम लोग ऐसे करके याद करेंगे, बहुत मज़ेदार ट्रिक से। देखिए यहाँ 49 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 49 से हम लोग साउंड पकड़ेंगे ऊंचा, ठीक है, 49 से हम लोग क्या साउंड पकड़ेंगे ऊंचा। और यदि हम लोग पूरे वर्ल्ड के तौर पर बात करें कैसे, जो कि हर एक क्षेत्र में प्रथम स्थान रखता है, सबसे ऊंचा है, तो आपका सबसे पहला आंसर होगा अमेरिका, ठीक है, सबसे पहले स्थान। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे वो आर्मी के क्षेत्र में हो, इकोनॉमी के क्षेत्र में हो, तो 49 से हम लोग कर लिए अमेरिका। और सेकंड देश आएगा अमेरिका, देखिए लास्ट में है का, तो हम लोग का से करेंगे कनाडा, ओके, सबसे ऊंचा। 49 से हम लोग क्या करेंगे, सबसे ऊंचा देश कौन सा है, अमेरिका, हर एक क्षेत्र में सबसे आगे कौन है, अमेरिका, और इसी में आ रहा है का, और का से हम लोग क्या करेंगे कनाडा। तो इस तरह से आपका हो जाएगा जो 49वां समांतर रेखा है वो किनके बीच में है, अमेरिका और कनाडा के बीच में। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन, और हम लोग जानते हैं कि वहाँ डॉलर चलता है, और कनाडा की राजधानी है ओटावा, और यहाँ पर भी चलता है, क्या चलता है, डॉलर, ओके। तो नेक्स्ट है आपका 38वां समांतर रेखा, और ये है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। ये भी बहुत मज़ेदार ट्रिक से समझिएगा। देखिए तो इसको हम लोग ऐसे लीड करके याद करेंगे, देखिए नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ऐसा देश है जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा सख्त कानून है, ठीक है, मतलब कि यहाँ के लोग और यहाँ के लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं, घूमने नहीं जा सकते हैं एक दूसरे के देश। ये दोनों देश जो हैं एक दूसरे से हार मानने को तैयार नहीं है, मतलब अड़े हुए हैं, ठीक है, 38 से हम लोग लेंगे अड़े हुए हैं, कौन से देश अड़े हुए हैं, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। ये दोनों देश हार मानने को तैयार नहीं है और झुकने को तैयार नहीं है, मतलब ये लोग अड़े हुए हैं कि हम, ये बोलता है हम कमज़ोर नहीं है और ये बोलता है हम कमज़ोर नहीं है, ठीक है, तो इस तरह से अड़े हुए। 38 से आपका हो जाएगा अड़े हुए हैं कौन कौन से देश, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। तो इस तरह से आपका हो जाएगा 38वां समांतर रेखा जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। नेक्स्ट है आपका सिच फ्राइड रेखा, मेगिनोड रेखा और आर्डरनेसा, ये जो है तीनों बिलोंग करते हैं आपका जर्मनी से। तो इसको याद करने के लिए हम लोगों को एक बड़े मैप की ज़रूरत होगी, ओके, तो बड़ा मैप आ गया, ओके, तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद करेंगे। देखिए सीच फ्राइड रेखा, यहाँ पे आ रहा है आपका साउंड आ रहा है फ्राइड, ठीक है, हम लोग किसी चीज़ को फ्राइड यहाँ पर कर रहे हैं, ओके, ये साउंड को आपको पकड़ना है, बस आपको सोचना है कि हम लोग किसी चीज़ को फ्राई कर रहे हैं, और यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे जर्मनी, तो हम लोग जो भी फ्राई कर रहे हैं वो कहाँ पर कर रहे हैं, ज़मीन पर कर रहे हैं, ओके, ज़मीन पर फ्राई कर रहे हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा आपका, फ्रांस आ रहा है, तो हम लोग उसको रिलेट करेंगे फ्रेंच, ठीक है, यहाँ पर फ्राई कर रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज कर रहे हैं या ज़मीन पर, फ्रांस से आपका हो जाएगा फ्रेंच फ्राइज। आप लोगों ने फ्रेंच फ्राइज ज़रूर खाया होगा, ज़मीन पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रेंच फ्राइड बना रहे हैं, ओके, और साथ में क्या बना रहे हैं, मैगी नोट, ठीक है, मैगी, यहाँ मैगी नोट पे देखिए साउंड आ रहा है मैगी, फ्रेंच फ्राइज बना रहे हैं यहाँ पर, और साथ में क्या बना रहे हैं, मैगी बना रहे हैं। जैसे ही ये वर्ड आएगा आपको बस यहाँ पे फ्राई पकड़ना है और यहाँ पे मैगी पकड़ना है, और जब भी हम लोग इसको बना रहे हैं तो ज़मीन पर ही बना रहे हैं, और फ्राई तो फ्रेंच फ्राइज भी बना रहे हैं, तो फ्रांस फ्रांस दोनों में हो जाए। तो नेक्स्ट है आपका ऑर्डरनेसा रेखा, और ये है जर्मनी और पोलैंड के बीच में। अब इसको ऐसे याद करेंगे, देखिए यहाँ पे पकाना वकाना सब हो गया, ठीक है, अब अभी ये लोग क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे, ठीक है, ऑर्डर, यहाँ से हम लोग ऑर्डर वर्ड पकड़ेंगे, ये लोग ऑर्डर कर रहे हैं, ऑर्डर की तो क्या हुआ, ज़मीन टू ज़मीन आएगा, ठीक है, ज़मीन टू ज़मीन अपना सामान लेकर के यहाँ पर आए, ठीक है, और ये लोग कितना ऑर्डर किए थे, एक पाव, पोलैंड से हम लोग करेंगे एक पाव, ठीक है, ज़मीन टू ज़मीन आया, और जब आया तो पता चला कितना ऑर्डर किए थे, एक पाव। तो इस तरह से आपका हो जाएगा ऑर्डर, ज़मीन टू ज़मीन और कितना ऑर्डर किए थे, एक पाव। तो ऑर्डर नेसा जो है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। ओके गाइस, तो आप लोग को कितना याद हुआ है एक नज़र हम लोग देख लेते हैं, ओके, तो एक नज़र यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ से हम लोग पकड़ेंगे हिम, और हिम आप लोग देखने के लिए गए थे, हिम वर्षा, तो आप लोग क्या हो गए थे, रूट गए थे, रूट से आपका हो गया था रूस, और फिर से क्या हुआ था, हिम वर्षा नहीं हुआ था, मींस की फिनलैंड, ओके। नेक्स्ट है आपका मैकमोहन रेखा, और इसे हम लोगों ने किया था मनमोहन, जो कि भारत के थे, तो आपका पहला हो जाएगा भारत, और यहाँ पे मेक है, मींस की हम लोग जो भी यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन, पेन, वो कहाँ के बने हुए रहते हैं, रेड क्लिक, यहाँ से हम लोगों ने पकड़ा था रेड, और खून खराबा हमेशा किन लोगों के बीच होता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में।
नेक्स्ट है आपका ड्यूरंड, कौन कौन से देश के लोग जब मिलते हैं तो ड्यूट ड्यूट करके बात करते हैं, वो थे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। ये था आपका 49वां, मतलब सबसे ऊंचा कौन सा देश है वो है अमेरिका, और लास्ट में था का, तो फिर होगा आपका कनाडा। और ये 38वां, कौन कौन से देश अभी तक अड़े हुए हैं, वो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। ये था सीज फ्राइड, मतलब फ्राइड मतलब खाना पकाने वकाने का काम हो रहा है, क्या क्या फ्राइड हो रहा है, फ्रेंच फ्राइड हो रहा है मींस की, और कहाँ पर फ्राइड हो रहा है, ज़मीन पर, तो ज़मीन से आपका जर्मनी, और फ्राइड क्या हो रहा था, फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच से हम लोग का क्या था, फ्रांस था, तो इस तरह से जर्मनी और फ्रांस ये वाला होगा। और ये नेक्स्ट है आपका मेगिनोट रेखा, तो ये भी क्या था आपका, पकाने वकाने का काम हो रहा है, ज़मीन पर हो रहा है, और साथ में क्या पक रहा था, फ्रेंच फ्राइज पक रहा था, तो इस तरह से ये भी हो जाएगा जर्मनी और फ्रांस। और ऑर्डर, ऑर्डर से मतलब खाना ऑर्डर किए हैं कहाँ से कहाँ, ज़मीन टू ज़मीन ऑर्डर किए हैं, जब भी ऑर्डर करते हैं तो ज़मीन टू ज़मीन आता है। और कितना ऑर्डर किए थे, वो ऑर्डर किए थे एक पाव, पाव से आपका पोलैंड, ठीक है, जर्मनी और पोलैंड। तो इस तरह से आई थिंक आप लोग को भी इजीली याद हो चुके होंगे। यदि आप लोग को लगा होगा कि मेरा जो है टाइम वेस्ट चला गया और देखने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आया, कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, तो मेरे इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करने के लिए बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट कीजिएगा ताकि हम लोगों को भी काम करने में मज़ा आए और आप लोग के लिए इससे भी अच्छे अच्छे ट्रिक्स लेकर के आए। तो ओके गाइस, कल मिलते हैं ऐसे ही एक नए अजीबोगरीबो ट्रिक्स के साथ में, नए सब्जेक्ट के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी सिक्योर।